तो सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस लाइन को स्केच करके दिखाऊंगा, ठीक है, आपको कैसे करना है। और इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए जो स्टेप्स है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा, ठीक है, आपको बस ऐसे ही ड्रॉ करते जाना है। और अभी आप शेडिंग को देखो कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। शेडिंग को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका शेडिंग अच्छा हुआ। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही पतले पतले लाइंस का यूज़ कर दिखा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। एकदम लाइट पेंसिल से, 4B पेंसिल है ये आर्ट लाइन का, मैं इस पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको बस लाइन खींच खींच के करना पड़ेगा, बिल्कुल भी आपको पेंसिल को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है पेंसिल पे, तो ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इस साइड्स को भी दिखा देता हूँ ज़रा, जैसे जैसे हो रहा है आपको बस ऐसे ही फॉलो करते जाना है, आपका भी बिल्कुल एक रियलिस्टिक लाइन बनेगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। तो देख सकते हो कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। मैं हर जगह पे लाइंस को नहीं खींच रहा, जहाँ पे लाइट पोर्शन है वहाँ पे मैं लाइट ही रख रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैं किसी भी कलर पेंसिल के यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि मैं हर जगह पे डार्क नहीं बन रहा हूँ, कुछ कुछ जगह पे डार्क, कुछ कुछ जगह पे लाइट। पहले आपको इन शेडोज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप शेडिंग अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो आप बस देखो कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और एकदम आखिर में हम इसके फेस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जंगल का किंग है तो इसको तो हमें अच्छे से बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। 6B पेंसिल का यूज़ करना हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आपको पहले रोशनी को और अंधेरे को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद आपका शेडिंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी, मैं यहाँ पे 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखना तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में, ठीक है। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपको ये ड्राइंग अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे देना और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे नीचे के हिस्से को 10B पेंसिल का यूज़ कर रखा हूँ यहाँ पे, जैसे मैं बताया था, ठीक है। तो 10B पेंसिल मैंने कर लिया, अभी मैं जाऊँगा इनके फेस पे। यहाँ पे मैं पहले 4B पेंसिल का यूज़ करूँगा, उसके बाद 6B, उसके बाद 8B, ठीक है। तो आप बस फॉलो कीजिए मैं कहाँ पे कौन सा पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। 6B पेंसिल के यूज़ करने के बाद हम जाएंगे 8B पेंसिल के यूज़ पे, ठीक है। तो देख सकते हो कि अभी मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, 6B का काम भी हो गया है। तो अभी हमें बस अपने फेस को अच्छे से दिखाना है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कि इसको पूरा शेड करने के बाद ये कैसा दिखेगा, ठीक है। मैं थोड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर से आपको दिखाता हूँ कि कैसा बनेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो शेड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। हम जरा इसके ईयर को दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ड्राइंग हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ठीक है। ये बहुत ही क्यूट एक ड्राइंग है और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।